हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्लोबल T20 के 18th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा एडमोंटन रॉयल्स और विनिपिग हॉक्स के बीच। और ये मैच खेला जाएगा 11 जुलाई की रात को 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मैच होगा कैनेडा में। तो आइए, ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है, हम सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखते हैं किस टीम की बल्लेबाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं विनिपिग हॉक्स की भी बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास ड्वेन ब्रावो, डेविड मिलर, डेविड वार्नर, हमजा तारिक, लैंडन सिमंस, डेरिन ब्रावो जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। वही अगर मैं एडमोंटन की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास शाहिद अफरीदी, क्रिस लेन, ल्यू ग्रॉन्की, क्रिस चेन, जोंकर जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मेरा मानना है कि बल्लेबाजी में तो मुझे विनिपिग हॉक्स का ही पल्ला भारी लगता है, क्योंकि उनके पास डेविड वार्नर और डेविड मिलर जैसे ख़तरनाक T20 बल्लेबाज हैं दोस्तों, और इन दोनों के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है काफ़ी। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 60 दूंगा विनिपिग हॉक्स की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा एडमोंटन रॉयल्स की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले अगर मैं एडमोंटन रॉयल्स की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास आदर्श खान, भूपिंदर सिंह, सोहेल वरुण, सहदेव जैसे गेंदबाज और सिमन परवेज जैसे गेंदबाज हैं और शाइमान अनवर जैसे गेंदबाज हैं। वहीं अगर मैं विनिपिग हॉक्स की गेंदबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास फिदल एडवर्स, रायल रियाद एम्ब्रेट, हीरल पटेल, मार्क दयाल, धनुका पथिराना और फैसल जमखाड़ी जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो भले ही विनिपिग हॉक्स का पल्ला भारी हो बल्लेबाजी में, पर गेंदबाजी में मुझे एडमोंटन रॉयल्स का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 52 दूंगा एडमोंटन रॉयल्स की गेंदबाजी को और 48 दूंगा विनिपिग हॉक्स की गेंदबाजी को। अब आइए दोस्तों इस पर नज़र डालते हैं कि मैच कौन सी टीम जीत सकती है। ये मैच होगा कैनेडा में, पर मैं जो विनिपिग हॉक्स है वो मुझे ज़्यादा बैलेंस टीम लग रही है, तो मैं बैक करूँगा विनिपिग हॉक्स को ये मैच जीतने के लिए। और अगर मैं चांसेस की बात करूं तो 60% चांसेस है विनिपिग हॉक्स के मैच जीतने के और 40% चांसेस है एडमोंटन रॉयल्स के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मैच विनिपिग हॉक्स नहीं एडमोंटन रॉयल जीतेगी तो आप एडमोंटन रॉयल के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।